इसके बाद दोस्तों हम जा रहे हैं कैशान, कैशान के इंशाल्लाह आपको वहां पर ज़ियारत कराएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ज़ियारत करने के लिए कैशान। दोस्तों इसे छोटी कर्बला भी कहा जाता है। यह दोस्तों मुल्क के ईरान के शहर कुम के तकरीबन 25-30-40 किलोमीटर के करीब ही मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमने वहां पर ज़ियारत करने के लिए गए थे, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये जो ज़ियारत है हज़रत सुल्तान अली इब्ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की है दोस्तों। ये जो ज़ियारत है जो दोस्तों यहाँ पर ये कत्लेगाह है, ये जिसे शहादत गाह भी कहा जाता है दोस्तों, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों ये पहाड़ी के बहुत ही बड़ी ऊंची चोटी पर मौजूद है ज़ियारत। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो बड़ी मुश्किल भी थोड़ी सी होती है, मगर ज़ायरीन जो आते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते, इंशाल्लाह ज़ियारत ज़रूरी करते हैं। इंशाल्लाह आपको कराते हैं ज़ियारत हज़रत सुल्तान अली इब्ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। दरूद ओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आल पर। दोस्तों इंशाल्लाह हमने कुछ देर के बाद इंशाल्लाह हम सीढ़ियाँ के ज़रिए इंशाल्लाह हम पहुँच चुके थे, हमने ज़ियारत की। इंशाल्लाह आप भी ज़ियारत करें। अगर आप लोगों ने दोस्तों दरूद नहीं पढ़ा तो लाजमी दरूद पढ़ें, तो आपको ज़ियारत कराते हैं। ये दोस्तों शहादत गाह है इंशाल्लाह, जो इसके नीचे बनी हुई तहखाने में वो आपको दिखाते हैं।